श्यांग बसीन एंड वेलकम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आई नो कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम तक कहाँ था, मैं क्यों नहीं आया था। सो गाइस, मैं एक यूट्यूब का मेक ओवर और आप कह सकते हो एक पूरा चेंज ओवर लेकर आने वाला हूँ 3rd of Jan को। सो उसके ऊपर ही हम सारी वीडियोज को रिकॉर्ड कर रहे थे। 10-12 कंटेंट है जो आपके साथ मैं 3rd of Jan को शेयर करूंगा, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम पे तो डेफिनेटली एक्टिव थे, टेलीग्राम पे बहुत रिकमेंडेशंस दी थी, बहुत स्ट्रैटेजीज शेयर करी थी सारे लॉजिक के साथ, एंड उन लोगों को बहुत प्रॉफिट्स हो रहे थे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम के अंदर थे तो इस वीडियो के अंदर जरूर कमेंट करना कि आप लोगों को हमारे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट्स हुए नहीं हुए, और अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला नहीं मिला। सो गाइस, अब मैं रेगुलर आने वाला हूँ। ये जो सीरीज है जिसपे हम बताते हैं 3 stocks बाय करने या नहीं करने, ये अब थोड़ा सा कम होने वाला है। ये सबसे ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होती है मेरी और मैं एक ही बनाता हूँ, बट इसके अंदर मैं इतनी नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता हूँ जो आपको कोई लर्निंग वीडियो में भी नहीं मिलने वाली है। बट सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप लर्निंग वीडियो भी लेकर आइए, बेसिक टू एडवांस टू स्ट्रैटेजीज टू ऑप्शंस, हर चीज साइकोलॉजी से रिलेटेड लेकर आइए। तो वो वीडियोज बन चुकी हैं, तैयार है, अब आपको सिर्फ प्रेजेंट करना बाकी है। सो डेट्स टाइम हर दिन के साथ 3rd of Jan को एक सरप्राइज वीडियो आने वाली है और आपको सब कुछ प्रेजेंट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के अंदर। ओके, सो जैसे कि हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं, तो सबसे पहला स्विंग ट्रेड मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूं, गोदरेज प्रॉपर्टीज। अभी हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड बहुत बढ़िया एनालिसिस और बहुत सिंपल है, तो एक बार समझते हैं। सिंपल आपको चार्ट्स पे दिख रहा होगा कि ये मल्टीपल हाइस थे, इन हाइस को करेक्ट करते हुए हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी एंड इस समय हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा था, एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी। मतलब ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 800-900 रुपीज़ की मूवमेंट थी। आफ्टर दैट कंसोलिडेट करते 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 ये नीचे आया एंड इसी लेवल पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए, यहाँ पर ऑन चार्ट्स बेसिस कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि अभी हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू RSI, जिसे मैं यूज करता नहीं हूँ, बट अगर कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट होता है प्राइस एक्शन से रिलेटेड तो मैं RSI या MACD को फॉलो करता हूँ, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पर बहुत बढ़िया RSI के थ्रू एक सेटअप बन रहा है, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो याद रखना कि एक एक कैंडल वीकली है, तो लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी हुई है 50 पे, एग्जैक्टली 50 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है, ये 50 के ऊपर जब भी रहता है, मतलब ये जब भी 50 पे आके एक बार सपोर्ट लेता है RSI और यहाँ से ऊपर जाता है, एक बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिलती है। अगर ये 50 को ब्रेक करता है शार्पली तो हम एक सेलिंग प्रेशर देखते हैं। अब यहाँ पर हमें चीज़ समझनी है, 50 को ब्रेक कब करता है। आपके माइंड में आ रहा होगा, यार ये 50 पे है, ब्रेक भी कर सकता है, यस। बट अगर हम लोग हिस्टोरिकल या पास्ट पे स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे 50 को ये ब्रेक करके तब नीचे जाता है जब पर्टिकुलर ये स्टॉक ऑलरेडी हाई पे ट्रेड कर रहा होता है, अपने एग्जैक्टली हाई पे, हम कह सकते हैं अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे है, और एक करेक्शन देने के बाद, एक फॉल देने के बाद अभी 50 पे आया है और सपोर्ट ले रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस लेवल पे एक बार 50 पे आया था, एक छोटा सा करेक्शन दिया था और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। दोबारा पीछे आते हैं, इस लेवल पे 50 पे आया था, यहाँ पॉज लिया था, अपने प्रीवियस हाई पे नहीं था, तो एक अच्छी मूवमेंट आई थी। अब ये गया था 50 के नीचे, आप देख सकते हैं अपना ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, तब जाके यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉल देखा। आप पूरा स्टडी करेंगे, अगर आप एक बार बैक टेस्ट करोगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 50 पे एक बेटर सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, तो स्टॉप लॉस बहुत कम है, टारगेट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बाइंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं एंट्री लेवल की। एंट्री लेवल पे हम क्लियरली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये हमारा टॉप है एंड टॉप से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छे से दे चुका है, अभी करंट प्राइस है 1858 रुपीज का। हम चाहते हैं कि ऑन अ अर्ली चार्ट अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकल जाए, दैट इज दिस लेवल। सो अगर ये इसके ऊपर निकलता है, हम अपना एक बाइंग सेटअप डेफिनेटली जनरेट कर सकता है, वो भी 5-6 रुपये ऊपर है तो ईजिली आ सकता है। सो अगर इसके ऊपर निकलता है, 30-15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, वी कैन गो फॉर अ बाय। अब दोबारा आ जाते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, एंट्री पता चल गई है, लेट्स गो विद अ टारगेट एंड स्टॉप लॉस।
ठीक है। सो टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए हमें करना क्या है, लेट मी शो यू। अगर हम इसके ऊपर बाय करते हैं, दिस शुड बी आर स्टॉप लॉस, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। बट हम अपना जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इजिली इजिली ये बड़ी जो बिग कैंडल थी एक्सपेक्ट यहां तक कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। बट मैं मान के चलता हूं कि यहां पर अभी अपना बेस बना चुका है, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक बार शायद एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे सकता है, वो भी माइनर चांस है, बट अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तक भी इजिली जा सकता है आने वाले टाइम पे। सो व्हाट वी कैन डू, अगर आप इस पे एक ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हो, सो एक बार डेली कैंडल क्लोज होने दो 1865 के ऊपर। अगर उसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज होती है, हम एक ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं, हम जान का ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप एक कैश में बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली करेंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, आपको बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल के अंदर अब हुआ क्या, ये भी मेरा वीकली टाइम फ्रेम है एंड ये भी एक स्विंग ट्रेड है। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मल्टीपल हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहे थे। नवंबर 2018 से हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। फाइनली एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट देने के बाद ज्यादा ऊपर अपने आई नहीं, कंसोलिडेट करते रहा, ऊपर जाने की कोशिश करी बट तभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड फाइनली एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद जब इस रेंज के अंदर दोबारा री एंटर करा, आप यहाँ देख सकते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट था जहाँ से एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी ब्रेकआउट वाली। एग्जैक्टली उस लेवल पे आया, डबल बॉटम क्रिएट करा एंड फाइनली अब ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट, रीटेस्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड उसके बाद अब ऊपर कंटिन्यू दोबारा कर रहा है। मेरे हिसाब से एक अच्छा ये बाय सेटअप बन सकता है। करंट प्राइस 119.75, ये अगर 120 रुपये के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग पोजिशन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके टारगेट एंड स्टॉप लॉस की। सो हम लोग 120 के ऊपर अगर बाय करते हैं, सो मेरे हिसाब से जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी आर प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि ये आ रहा है जिस लेवल से एक रिवर्सल आया था, शॉर्ट टर्म रिवर्सल आया था, एंड आवर स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड इस विक, ये जो एक डोजी बनाई थी इसके नीचे वाला। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर भी हम 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इजिली देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट विंग ट्रेड की। ओके, सो हमारा थर्ड और लास्ट विंग ट्रेड है LIC हाउसिंग फाइनेंस। सो गाइज देखिए, मैं जो भी स्टॉक्स आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ, कभी कभार मैं आप लोगों को स्टॉक्स नहीं देता, बोल देता हूँ कि हमें अभी मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, बट जो भी मेरे स्टॉक्स होते हैं, जो भी मैं स्टॉक्स आपको प्रेजेंट करता हूँ वो एक लॉजिक के साथ होते हैं। ऐसे कोई भी स्टॉक उठा के नहीं दे देता कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, दिस एंड दैट, एक क्लियर साइकोलॉजी उसके पीछे होती है। सो लेट मी शो यू अबाउट दिस स्टॉक साइकोलॉजी एज वेल, क्योंकि आपको पता चलेगा, क्योंकि जो बैक टेस्ट हो रखा है ना, वहां पर अगर आप वो सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो लेट मी शो यू LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक मैंने टेलीग्राम पे बहुत पहले से दे रखा है, और क्या रीजन था और कैसे मैंने बॉटम आइडेंटिफाई करा था, लेट मी शो यू। सबसे पहले बैक टेस्ट करते हैं, और बैक टेस्ट पे आते हैं हम लोग अराउंड फेब में हम लोगों ने देखा था, एक फॉल आया, एक पुल बैक दिया, एक फॉल आया, एक पुल बैक दिया, एक फॉल आया। ठीक है, यहां पर जब हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करा तो हमने देखा कि एक रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं एक चीज यहां पर देख रहा हूं, मतलब LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, और मल्टीपल मैंने स्टॉक्स के अंदर इस पैटर्न को मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं, बट मैंने अपने तरीके से नाम ले दिया है थ्री वेव पैटर्न। थ्री वेव पैटर्न होता क्या है, थ्री वेव पैटर्न होता यह है कि लेट मी शो यू, एक बार फॉल आती है, एक बार पुल बैक देता है, सेकेंड टाइम फॉल आती है, फिर पुल बैक देता है, और थर्ड टाइम जो फॉल आती है, ये जो थर्ड टाइम फॉल होती है, और यहाँ पर अगर कोई एक स्ट्रक्चर बने, या यहाँ पर एक सपोर्ट हो, या फिर यहाँ पर एक डबल बॉटम बने, या फिर यहाँ पर एक डोजी बन के ऊपर जाए, तो यहां पर बाय करने का बहुत बढ़िया मौका होता है, और वो अपने प्रीवियस हाइस तक आराम से चले जाता है। ये चीज मैंने बहुत स्टॉक्स में ऑब्जर्व करी है। सो एग्जैक्टली ऐसा फॉल हुआ, एक फॉल, दूसरा फॉल, तीसरा फॉल, इट क्रिएटेड अ वेरी गुड डबल बॉटम, और यहां से ऊपर जाना स्टार्ट करा। ठीक है, एग्जैक्टली RSI का यहां पर बहुत बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला और यहां से ऊपर गया। इसके बाद सेम चीज यहां फॉल हुई, एक फॉल, दूसरा फॉल, तीसरा फॉल, तीसरा फॉल आने के बाद एग्जैक्टली RSI का एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। मतलब ये लेवल होता है, अगर इसके नीचे चले जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करते, बट अगर इसके लेवल से ऊपर दोबारा चले जाता है तो इट्स अ बेस्ट एंट्री जो भी हम स्टॉक्स के अंदर ले सकते हैं।
एक बहुत बढ़िया हम लोगों को एंट्री देखने को मिली है इस लेवल के अंदर। हमने इसी लेवल पे बाय करा था, 353 के आसपास हमने यहाँ पर बाय करा और अभी से ऊपर कंटिन्यू है। सो अभी भी आप लोग इसे बाय कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में अगर ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली है तो डेफिनेटली ये चीज़ फॉलो हो सकती है, और ये बाय के अंदर भी होती है। लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं, अप मूव फॉल एंड फिर अप मूव, क्या हुआ उसके बाद फॉल आती। ठीक है, एग्जैक्टली आपको जो भी प्रोवाइड यहाँ करवाया जा रहा है विथ प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर साइकोलॉजी बिहाइंड एवरी स्टॉक। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। कल अगर आपको डिप मिलती है 5-6 रुपए की तो बाय कर सकते हो। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड है और इसके टारगेट्स भी गाइस ह्यूज है। अगर आप करंट लेवल्स पे बाय करते हो तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे। ठीक है, एंड अ टारगेट शुड बी अराउंड दिस। मैं चलिए कम टारगेट लेकर चलता हूँ, सब भी 1:2 का रिश्वर्ड रेशियो और बहुत बढ़िया टारगेट है। सो मेरे हिसाब से आई होप आपको तीनों स्टॉक्स पसंद आए होंगे विद प्रॉपर लॉजिक। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एंड चेक करते हैं उसके अंदर क्या करना है। सो गाइस हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अगर आपको याद होगा मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो नहीं बना रहा, बट मैं लाइव आया था कल, एंड कल मैंने लाइव पे और उससे पहले ही मैंने अपने लोगों को कह दिया था गो बाय 17,000 कॉल। क्यों दिया था, लेट मी शो यू। इस लेवल पे यहाँ पे जब मार्केट फॉल कर रही थी एग्जैक्टली इस लेवल पे, जब ये गैप डाउन हुआ था, इस गैप डाउन पे आई हैव टोल्ड एवरीवन ऑन टेलीग्राम की गो लॉन्ग। क्यों, आप क्लियर अगर यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट्स थे, आफ्टर दैट एक ड्रास्टिक फॉल आया था, ड्रास्टिक फॉल के बाद मल्टीपल कंसोलिडेशन देखने को मिला इसी लेवल पे, बट फाइनली ब्रेकआउट दिया। आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट ये दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आकर क्रिएटेड अ वेरी गुड डबल बॉटम। इसके बाद एक बुलिश हैमर थी, इसके ऊपर निकला एंड यहां पर हमने बाय सजेस्ट करा था, 17,000 का कॉल हम लोगों ने लिया था। ऊपर गया हम लोगों ने, कोई बात नहीं, कोई ट्रेड नहीं लिया। बट मैं दोबारा इस लेवल पे लाइव आया था कल एंड मैंने कहा था कि आप 17,100 का कॉल बाय कर लो, कल उठते ही आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। और आप कह नहीं सकते, मेरे पास 100+ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स आए थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जब ये 100 रुपए का गैप अप हुआ था और लोगों को एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला था। अब क्या करना है, देखिए जो पहला हो चुका है उसको तो भूल जाते हैं, अगर आप लोगों ने लिया होगा इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया आपकी स्ट्रैटेजी समझो। परसों है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है, किस तरीके से ट्रेड लेना है। करंट प्राइस 17,233 रुपीज का, सबसे क्लोजेस्ट जो सपोर्ट है दैट इज 17,090-17,080 रुपीज का, और सबसे क्लोजेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो 17,300 और 17,350 का। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, अगर कल खुलते ही मार्केट, कल मार्केट ओपन होती है, फॉर एग्जांपल गैप गैप ओपन होने के बाद अगर वो 17,300 पे ओपन होती है, उसके आस ऊपर, उसके ऊपर, उसके नीचे नहीं एग्जैक्टली, अगर 17,300 अगर उसके ऊपर इस रेंज के अंदर कभी भी ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली हम लोग एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो जाती है गैप डाउन पे तो हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप मान के चलना अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होती है, करंट प्राइस पे अगर मार्केट ओपन होती है ना, तो कोई ट्रेड मत करना, बिकॉज मार्केट आज के लेवल की तरह रेंज बाउंड रहने वाली है। आज आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट रेंज बाउंड थी, तो कल अगर इस लेवल के आसपास खुलती है और कोई रिवर्सल दिखता है हम एक शॉर्ट करेंगे, इस लेवल पे हम एक बाय करेंगे, बट मेरे लिए जो मेजर है वो एक बाइंग साइड में है। ठीक है, अब एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है। कल मैंने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे लाइव कहा था कि प्लीज आप लोग बैंक निफ्टी को बाय करके मत चलना, निफ्टी को ही बाय करना। आपने देखा था बैंक निफ्टी भी आज 300 पॉइंट्स अप थी, उसके बाद 2 बार नेगेटिव जा चुकी थी, 2 बार नेगेटिव हुई थी, बट निफ्टी स्ट्रांग खड़ा था। क्या लॉजिक था मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एंड सारी चीजों के बेसिस पे। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर इंट्राडे के स्टॉक्स दीजिए। सो गाइस इंट्राडे के स्टॉक्स में टेलीग्राम पे आपको ऑन अ लाइव मार्केट देता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर लेना, तो बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी एक बार बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, ओपन इंटरेस्ट के डाटा के साथ मैं आपको क्लियरली दिखा दूंगा कि मैं क्यों कह रहा था। सो बैंक निफ्टी में हम लोग आ चुके हैं, बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग चेक करें, पहले तो बहुत ड्रास्टिक फॉल आते रहे, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ड्रास्टिक फॉल ऊपर गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉल, थ्री वेव के बाद एक फॉल आया। फॉल आने के बाद अब यहां पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैंने देखा था
ये आराम से ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ऊपर बहुत तेजी से जा रहा है। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था, आप इस लेवल को एग्जामिन करो, ये वाली जो कैंडल देख रहे हो ये है 34,800 की, और थोड़े टाइम बाद 35,000 आ गया था विद इन 3 कैंडल्स 15 मिनट की। अगर हम लाइव मार्केट जब इसको टेस्ट कर रहे थे तो 34,800 के कॉल राइटर्स भी एक्टिव हो रहे थे, 35,000 के कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे थे। मतलब ज्यादा बड़ी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहे थे, कोई ज्यादा इसके अंदर एक्टिवली ट्रेड नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे और जो कॉल राइटर्स बार बार पोजीशंस बना रहे हैं, मतलब वो ज्यादा ऊपर बैंक निफ्टी को लेकर जाना ही नहीं चाहते, वो बार बार ऊपर पुश कर रहे हैं कि वो नीचे आए। तो हमारे हिसाब से ये एक वर्स्ट था ट्रेड इसको लेने के लिए, हम बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी को ले सकते थे। डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग हुई बट एक फॉल दोबारा आ गया, मतलब कोई भी अगर यहाँ एग्जिट नहीं कर रहा होगा उसका डेफिनेटली जो भी उसने प्रॉफिट्स इन द मॉर्निंग उसको दिख रहे होंगे वो इन द एंड लॉसेस या नेगलिजिबल हो गए होंगे। सो मेरे हिसाब से अभी भी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 35,450 का लेवल, मेरे हिसाब से कोई बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड लेकर नहीं चलने वाला। यस इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम हियर बट यहाँ कोई फायदा नहीं है, यहाँ इसने एक छोटा सा डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी थी बट कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर जब तक एक प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऑन अ डाउन साइड मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड तो बनाऊंगा, मैं बैंक निफ्टी पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करूंगा और निफ्टी के अंदर मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करूंगा, और ये मेरी एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। सो लेट मी शो यू द ओपन इंटरेस्ट डाटा, उसके बेसिस पे फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। सो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों ने ओपन कर दिया। सबसे पहले अगर आप चेक करोगे तो 17,200 पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है, 3.7 मिलियन का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो पुट राइटिंग हाईएस्ट हो रही है। इसके अलावा 17,100 पे 2 मिलियन है। आप एक चीज तो क्लैरिफाई कर चुके हो, अभी 17,230 है, अगर बाय चांस 17,000 का 17,200 ब्रेक होता है तो ये मेजर होल्ड करेगा मतलब इस लेवल को। सो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स हमें स्ट्रैटेजी डेफिनेटली फॉलो करनी है निफ्टी के अंदर। अगर गिरावट आती है 17,100 पे हमें डेफिनेटली लॉन्ग करना है। सिंपल आप देख सकते हैं आज आज का डाटा किस तरीके से चेंज हुआ, पुट राइटर्स ऐड हुए 7.1 मिलियन और कॉल राइटर्स जो पिछले दिन एक्टिव थे वो सब निकल गए हैं और 0.1 मिलियन। आप देख रहे हैं कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं मार्केट से। सिंपल यहां पर आप देखोगे तो टोटल पुट्स ऐड है ओवरऑल मंथली के, अगर हम बात करें इस वीकली एक्सपायरी के टोटल ओवरऑल ऐड है 93 एंड कॉल ऐड है 74। सो मेरे हिसाब से एक अच्छा बाइंग सेटअप इजीली बन सकता है। यस ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा बट नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा निफ्टी। अब ये डाटा से आपको क्लियर लग रहा होगा कि यार निफ्टी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बैंक निफ्टी दिखाऊं? देखिए ग्रीन से ज्यादा रेड दिख रहा है, क्यों? यहाँ पर हम कोई भी एक स्ट्रैटेजी फाइंड करें बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की, जहां हमें पता है कि अगर हम लोग पेशेंसली अगर इसे होल्ड कर लिया तो हमारे को लॉस दिख सकता है। हाईएस्ट वहां पर हमने निफ्टी में बात करी थी, कॉल राइटर्स तो दिख ही नहीं रहते हम पुट राइटर्स की, यहाँ तो हाईएस्ट कॉल राइटर की बात हो रही है 35,500 300 200 हर जगह हाईएस्ट कॉल राइटर्स एक्टिव है। नीचे आए पुट राइटर्स उल्टा एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से और कॉल राइटर्स उल्टा एड ऑन हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर हम स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चले तो ये 35,000 के अंदर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर नीचे आती है तो वहाँ सपोर्ट मिल सकता है बट ऑन अ हायर टाई साइड भी एक हैवी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी निफ्टी के अंदर हमें फॉलो करनी है, बाय करना है, और बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग ऊपर पे सेल करने की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बना सकते हैं। सो हम दोनों तरफ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड गाइस ऑन संडे 3rd of Jan एक बहुत बढ़िया सरप्राइज आने वाला है इस यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, जो डेफिनेटली जो भी नए लोग आने वाले हैं और जो इस यूट्यूब के अंदर हमारे कम्युनिटी के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी चीज आप लोगों के साथ मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ जो आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। और जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा इसके पीछे का लॉजिक, कैसे चार्ट को फाइंड करते हैं, क्या कैंडलस्टिक्स है, ए टू जेड सब कुछ आने वाला है, एक तरीके का पूरा कोर्स कंटेंट आपको ऑन यूट्यूब मिलने वाला है। सो गाइस वेट करिए सिर्फ 3rd of Jan की, एंड डू सब्सक्राइब कि आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिस ना करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।